मैंने तो अम्मा से साफ कह दिया कोई धूम धड़क्का नहीं होगा, अगले हफ्ते सादगी से निकाह करेंगे। इतनी जल्दी? जब हमने कौन सी कोई इतनी ज्यादा तैयारी करनी है तो फिर टाइम देने की क्या जरूरत है। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर तुम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हो तो फिर हम शादी के लिए टाइम ले सकते हैं। अगर मैं तैयार ना होता तो आप लोगों से कहते ही क्यों? बस तो ठीक है नौफल, फिर तुम्हें मार्केट जाना होगा। मुझे क्यों? भाई जाहिर है, गुल के लिए तुम ड्रेसेस ले लो, उसका ब्राइडल ड्रेस ले लो। मैं चाहती तो मरियम को भेज देती उसके साथ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गुल सोचेगी। रुशना को तो तुम साथ लेके गए थे और उसे नहीं। ठीक है अमी, मैं चला जाऊंगा। चलो ठीक है, फिर मरियम को भी साथ ले जाना, ताकि गुल को कोई झिझक ना हो, इसकी पसंद से अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी। ओके, कब जाना है आप बता दीजिए। मेरा ख्याल है कल ही चले जाओ तुम। ठीक है, मैं चला जाऊं। मेरे बेटे के चेहरे पे शादी के नाम से जो एक चमक और खुशी आती थी ना, वो कहीं खो गई है। अम्मी, ये सब चीजें इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, थोड़ा वक्त दें उसको, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है ना, एक्सेप्ट कर लेगा इस सिचुएशन को, उसे खुद डील करने दें। इंशाल्लाह। मैं कहती थी ना कि बस अल्लाह पर छोड़ दो, वो बंदों के लिए हमेशा अच्छे फैसले करके रखता है। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है और मेरे गुल के सबर का। मैं तो पहले कहती थी हमारी गुल के लिए बस नौफल जैसा लड़का ही होना चाहिए। जीती रहो। गुल बैठो बेटा, कहाँ जा रही हो? बैठो। जी नानी। अम्मा बता रही थी कि तुम कुछ परेशान हो आजकल। देखो बेटा, दिल में अगर कोई भी वसवसा या कोई अंदेशे हैं तो उनको बिल्कुल निकाल दो। ये सब तो ऊपर वाले के फैसले होते हैं, और फिर यकीनन हमारे हक में दिलों में जो बेहतर इरादे डालता है वो भी ऊपर वाला ही डालता है। जी, हम सब ने तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेटे बहुत दुआएं की हैं, ये सब उन्हीं दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सब अच्छा कर दिया। हाँ, एक बात और बेटा, कल तुम्हें नौफल और मरियम शॉपिंग के लिए ले जाएंगे। अब मुझे अब, नहीं नानी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी शादी है बेटा, तो शॉपिंग करने भी तो तुम साथ जाओगी ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाओगी। अरे खुशी खुशी तैयारी करो और बस अल्लाह का शुक्र करो कि उसने ये दिन हमें दिखाया है। जी नानी। जिब्रान कहाँ है? शब्बू, साहब कहाँ है? चले गए? अच्छा ठीक है, ओके। फिर चला गया, मुझे उठाया भी नहीं। किसका फोन है? हाँ? बात क्यों नहीं करते? यार है एक मुसीबत, पीछे ही पड़ गई है। कौन काटती है? तो पीछा छोड़ा उससे? अब यही सोच रहा हूँ। कहीं तुम मेरी एब्सेंस में मुझे भी तो मुसीबत नहीं कहते? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता, बल्कि तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे लिए तो दिल में अलग सी जगह है। रियली? हाँ, सच कह रहा हूँ।
मैं मीटिंग में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। फिर फोन काट दिया। क्या खाओगी? जो तुम कहो। ओके वेटर।